फाइनली बड़े सारे चैलेंजेस होने के बाद में अब वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है सर। दोस्तों आज एक ऐसे सेंट की बात करेंगे, अ वेरी क्लासिक। इसी खुशबू जब भी आपको महसूस होगी तो यूल फील इट्स जस्ट द फ्रेग्रेंस नेक्स्ट डोर, बिकॉज काफी पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, काफी लोगों को पसंद आती है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी क्लासिक फुजेर फ्रेग्रेंसेज। तो फुजेर फ्रेग्रेंसेस मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं आज की ये क्या खास फ्रेग्रेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फ्रेग्रेंस रिव्यू वीडियो। जब भी आपको क्लासिक फुजेर के बारे में कहा जाता है तो सबसे पहला नाम आता है स्विस अरेबियन, और उसका भी ये जन्नत एल फिरदौस, सबसे पॉपुलर स्विस अरेबियन का ये परफ्यूम है। एंड दिस इज ऑयल बेस्ड। ओके, दिस इज द ओरिजिनल वन। मैंने इसकी सील जो है वो ब्रेक करके इसको ओपन कर दिया था। आपने छोटे पैक्स में तो देखा होगा, लेकिन ये बड़े पैक में कुछ इस तरीके का आता है। ओके, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्विस अरेबियन जन्नत एल फिरदौस। ओके, मेड इन यूएई। एंड या दिस इज 95 ml कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल फ्री फ्रॉम एल्कोहल। तो इसका अगर पैकेजिंग की बात करें तो कार्डबोर्ड बॉक्स वाला है, पैक है, 95 ml की एक ग्लास बॉटल को होल्ड करता है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है। ओके, और ये अंदर थोड़ा सा पैडिंग भी दी गई है, तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है। ग्लास बॉटल है, प्योर ग्लास बॉटल। ओके, एंड मेटल का इसका कैप है, और इसमें जो है ये मेटल का कैप आप ओपन करेंगे तो एक कलोन टाइप कुछ फीलिंग आएगी आपको, जैसे क्लासिक आफ्टर शेव्स होते हैं, कुछ उस टाइप की बॉटल है इसमें। ये सिर्फ ये बंद करने के लिए एक ये वाला दिया गया है, नॉब काइंड ऑफ। ओके, ये इस तरीके का। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूँ। एंड या इस तरीके की कुछ इसकी प्रेजेंटेशन है। इसका प्राइस वेरी करता है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, तो आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, या फिर आप चाहें तो लोकल स्टोर्स में भी विजिट करके देखें, वहां अवेलेबल हो तो वहां से भी आप डेफिनेटली प्रोक्योर करने का ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कि ये खुशबू किस प्रकार की है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिक फुजेर, फुजेर मतलब क्या होता है, फुजेर एक ऐसा सेंट होता है जो तीन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। टॉप मिडिल और बेस नोट में कुछ कुछ स्पेसिफिक सेंट्स होने चाहिए। टॉप नोट में होना चाहिए फ्लावरी स्वीट काइंड ऑफ सेंट। ओके, मिडिल नोट में होना चाहिए थोड़ा सा स्पाइसी काइंड ऑफ सेंट, और बेस उसका वुडी होना चाहिए। अगर एक सेंट ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो एक फुजेर कहा जा सकता है। सो कुछ क्लासिक एग्जांपल्स जैसे जन्नत अल फिरदौस है, मजमुआ भी एक फुजेर कह सकते हैं, उसके बाद में गाय लरोशे का जो ड्रकर नॉयर है वो एक फुजेर है। सो ये पूरे पूरा स्पेक्ट्रम है नोट्स का, जो कि फ्लावरी स्वीट, बीच में फिर मिडिल में स्पाइसी, और फिर बेस में वुडी अगर नोट्स हैं तो वो एक फुजेर के कैटेगराइजेशन में आ सकता है। तो जन्नत अल फिरदौस अगेन अ वेरी क्लासिक फुजेर सेंट। अब इसकी खुशबू कैसे आती है दोस्तों? सो बेसिकली जब आप जन्नत अल फिरदौस को एक्सपीरियंस करते हो तो सबसे पहले जो एक दो चीजें आपको ध्यान आती है वो ये कि फ्लावर्स, गुच्छा मतलब बुके। ओके, बुके आपके आसपास है ऐसा आपको लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि आप किसी गार्डन में हो। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जन्नत अल फिरदौस का मतलब भी गार्डन से रिलेटेड ही होता है, इट इज अ गार्डन ऑफ हेवन। ओके, सो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगना चाहिए, अगर जन्नत अल फिरदौस आपने अप्लाई किया तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके आसपास बुके है या फिर आप किसी गार्डन में हो, बिकॉज इट हैज द पंच ऑफ फ्लावर्स। टॉप नोट्स अगर बात करें तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुए दोस्तों, जो फ्रेग्रेंटिका है, बेस नोट्स है, काफी सारी साइट्स है जिसपे बड़े बड़े स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, बट मेरे को जो लगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मुझे जो इसमें पता पड़ा वो सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली भी कह सकते हो, सबसे जो ऐसे अप्लाई करके जब सबसे मैंने खुशबू ली तो मेरे को एक माइल्ड सिट्रोनेलॉल, मतलब सिट्रोनेला का हल्का सा ऐसा नोट मिला, विच सम पीपल फाइंड नॉट वेरी प्लेजेंट, काफी लोगों को पसंद नहीं है। ओडोमॉस जैसा है, दैट इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैसा सिट्रोनेला स्मेल करता है। सो बड़ा ही कुछ सेकेंड्स के लिए वो रहता है, लेकिन वो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ठीक है टॉप में। उसके बाद में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, और मैं नोट करके रखता हूँ प्रॉपरली क्योंकि भूलने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ हल्का सा लेवेंडर, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लेवेंडर और जैस्मिन।
जैस्मिन कौन सा? चमेली वाला, आपका मोतिया या आपका जो मोगरा होता है वो नहीं, चमेली वाला हल्का सा जैस्मिन मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है ये। और ग्रीन नोट्स, ओके फिरदौस, फिरदौस का एक नोट जिसके मैं लास्ट वीडियो के लास्ट लास्ट में आपको बताऊंगा, बट वो भी, वो तो कंटिन्यूसली पूरे ही समय वो आपको एक्सपीरियंस होता है, काफी टाइम तक एक्सपीरियंस होता है। सो ग्रीन ग्रासी नोट्स, ओके। सो टॉप नोट्स में इसके है बेसिकली सिट्रोनेलॉल, हल्का सा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद में एक्सपीरियंस हुआ लैवेंडर, थोड़ा सा जैस्मिन और थोड़ा सा आपका ग्रीन ग्रासी नोट्स, ओके। उसके बाद में दोस्तों मिडिल नोट्स की अगर मैं बात करूं तो मिडिल में एक बहुत ही टिपिकल पाउडरी टैल्कम जैसा एहसास होता है, सिंपल, वेरी वेरी टिपिकल पाउडर टैल्कम जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें कि थोड़ा फर्न्स, मतलब अगेन थोड़ा ग्रीन्स जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा आपको पता चलेगा। नाउ मैं कोई साइट्स देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि सिनेमन वगैरह का नोट होता है, तो ऐसा कोई सिनेमन वगैरह का तो नोट मुझे इसमें तो नहीं, कुछ ऐसा स्पाइस जैसा कुछ मुझे खास इसमें पता ही नहीं पड़ा। आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर स्पाइस, मतलब जैसे नटमेग हो, जायफल या सिनेमन या स्टार एनीस या पत्थर फूल या मेस, ऐसा कुछ मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, शायद मेरी नोज अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई है मे बी, बट हाँ वो वैसा कुछ नहीं मिला मुझे, ग्रीन टैल्कम जैसे नोट्स मिडिल नोट्स में मिले। एंड बेस में दोस्तों जैसे मैंने बताया कि फिरदौस का एक नोट होता है, सो अगर आप किसी लोकल अदर शॉप पे जाओ और उसको बोलो फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस नहीं, सिर्फ बोलो फिरदौस, तो आपको जो मिलता है दैट इज योर फिरदौस का सेंट, उसमें सारे स्पेक्ट्रम नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक फिरदौस का एक सेंट होता है, तो वो आपको मिलता है, वो फिरदौस का सेंट जनरली आपको सारे ही जन्नतुल फिरदौस में पूरे टाइम एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बेस में आते आते जब इसका ड्राई डाउन होता है तो आपको महसूस होता है वो फिरदौस का नोट हल्का सा सैंडलवुड महसूस होता है और आपको महसूस होता है खस। यस, खस आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई वेरी पिक्यूलरली। और खस कौन सा वाला दोस्तों? खस जो स्मोकी वाला खस होता है, थोड़ा सा स्मोक्ड, जिसमें एक यू नो एक्सपीरियंस मिलता है स्मोकी खस में, वैसा स्मोकी खस मेरे को आइडेंटिफाई हुआ। ये सबसे लास्ट में आपको स्मोकी खस मिलता है ये वाले में, ठीक है। अब सो ये तो बात हो गई नोट्स की दोस्तों। नाउ यू विल आस्क कि भाई लॉन्जिविटी क्या है, कौन लोग इसको लगा सकते हैं, कौन से सीजन में इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सीजन, तो सीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो यू कैन वेयर इट ऑल ईयर राउंड, पूरे 12 महीने आप इसको वेयर कर सकते हैं बिना हिचक, बिना झिझक, सुबह शाम दिन कभी भी। ये बहुत ही क्लासिक और बहुत ही प्लेजेंट सेंट है। कौन इसको वेयर कर सकता है? एनीवन, बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, जेंट्स, सब वेयर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से किसी भी ओकेजन पे कर सकते हैं। सम पीपल में आइडेंटिफाई स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो विद जन्नतुल फिरदौस, अगर वैसा लगता है तो उस पर्पज के लिए, स्पिरिचुअल पर्पज के लिए भी आप ये सेंट यूज कर सकते हो, ओके। इट विल एक्टिवेट यू एज वेल एज इट विल कीप यू सेटेड, में दिस इज अ बैलेंस्ड फ्रेग्रेंस, ओके। सो इसकी लॉन्जिविटी कितनी? इसकी लॉन्जिविटी दोस्तों आई एम श्योर इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका सेंट लिंगर अराउंड करता है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे आपके आसपास, बट जैसे जैसे यू नो जैसे शुरुआत में थोड़े फ्लावरी ग्रीनिश आपको एक्सपीरियंस मिलेगा 1-2 घंटे तक, उसके बाद में टैल्कम ही टैल्कम लगेगा काफ़ी टाइम तक, और लास्ट में जाके ड्राई डाउन में हल्का सा जो है वो सैंडलवुड और खस का एक्सपीरियंस मुझे मिला इसमें 4-5 घंटे, और 4-5 घंटे के बाद बड़ा ही फेंट सा ट्रेस बचता है बस इसका। सो दैट्स व्हाट इट इज, ये मेरे को लगा। ओवरऑल आई विल से दिस इज वेरी सेफ फ्रेग्रेंस, ओवरपावरिंग नहीं है, सर दुखाने वाला कोई काम नहीं है, माइल्ड ही है, स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। इसको लिबरली अप्लाई करने के बावजूद भी ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। हाँ बट इसमें कोई सिनेमन विनेमन का स्पाइस तो मैं आइडेंटिफाई नहीं करता है ऐसे कोई स्पाइसी नोट तो मेरे को ऐसे मिला ही नहीं इसमें, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस यार, सही में। सो या आई एम वेरी हैप्पी, 95 ml का है, एंड मे बी आई शेयर दिस विथ माई फ्रेंड्स क्योंकि काफी ज्यादा है, सो बट आई लाइक दिस फ्रेग्रेंस। ना दोस्तों सिर्फ जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जन्नतुल फिरदौस ओरिजिनल तो है स्विस अरेबियन का, ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे आते हैं। सो सबसे बजट अगर आपको जन्नतुल फिरदौस चाहिए तो वो आता है एरोकेम का जन्नतुल फिरदौस, ओके,
ये ब्लू कलर का पैक है और ये जो अतर मैं आपको बता रहा हूँ इसके हम अलग से रिव्यू करेंगे फॉर श्योर। उसके बाद सेकेंड दोस्तों ये है नेमथ फ्रेग्रेंसेस का, ओके ये 6 ml का बॉटल है, ठीक है देखिए कैसा लाइट ग्रीनिश कलर है, तो ये 6 ml का है जनतुल फिरदौस। दिस इज वन ऑफ द वेरी क्लीन एंड वेरी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ जनतुल फिरदौस, वेरी गुड, वेरी क्लीन फ्रेश कॉर्पोरेट काइंड ऑफ जनतुल फिरदौस। उसके बाद दोस्तों थर्ड है ये है पूरनदास रणछोड़दास परफ्यूमर्स हैदराबाद का जनतुल फिरदौस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जनतुल फिरदौस। थोड़ा स्ट्रॉन्ग पंच वाला जनतुल फिरदौस चाहिए तो देन यू शुड गो फॉर दिस वन, ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाइज दिस इज वेरी गुड और काफी काफी रीजनेबल रेट में अवेलेबल है ये। उसके बाद में एक जनतुल फिरदौस दोस्तों बड़ा ही क्लासिक है एंड ये मैंने एक ट्रेड फेयर में से लिया था एंड अनफॉर्चुनेटली जो शॉप से मैंने लिया था उसका नाम ही मैं भूल गया हूँ, बट दिस ऑल्सो वेरी गुड। इसमें डेफिनेटली आई कैन फील नटमेग, हाँ ये वाले जनतुल फिरदौस में स्ट्रेट अवे नटमेग मिलता है, सिनेमन तो नहीं बट नटमेग, मुझे जायफल, यस यस वो जायफल, आई कैन एक्सपीरियंस द जायफल वेरी 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 डिस्टिंक्टिवली, बिल्कुल अलग से पता पड़ता है जायफल, बहुत बढ़िया, इज वन ऑफ द बेस्ट जनतुल फिरदौस आर लाइक। सो बाकी सब जनतुल फिरदौस का भी हम रिव्यू करेंगे अलग से, बट आज का जो हमने देखा क्लासिक ओरिजिनल जनतुल फिरदौस, नाइस एंड क्लीन सेंट, यू कैनॉट गो रॉन्ग विद इट, कभी भी अप्लाई करो, किसी भी ओकेजन के लिए अप्लाई करो, मजा आएगा आपको, बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन सेंट है यार, मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इज वन ऑफ द बेस्ट सेंट विच यू कैनॉट गो रॉन्ग विद, ये आप ये परेशान कर ही नहीं सकता आपको अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लिया तो ऑफकोर्स। दोस्तों इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम वापस से एक नई फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे और जानेंगे उसके डिटेल्स, तब तक के लिए कीप स्मेलिंग गुड, बाय बाय, नमस्कार एंड टेक केयर। और इसके अंदर जो है इस तरीके का एक कार्डबोर्ड भी है, वो मत देखिए, वो तो मैंने इसमें स्लिट डाली थी टेस्ट करने के लिए, बताता हूं आपको, सो तो ये देखिए स्विस अरेबियन जनतुल फिरदौस, मैं कल इसके नोट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था तो तब की बात है। एनीवे तो देखिए इस तरह की क्लासिक पैकिंग है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, एक ये यू कैन वेयर इट इन एक्सट्रीम समर्स, यू कैन वेयर इट इन एक्सट्रीम विंटर्स, ये बहुत ही क्लासिक ऑल ईयर राउंड फ्रेग्रेंस है, किसी भी सीजन में आप इसको पहनो बिना झिझक बिना हिचक। तो आप इसको किसी भी सीजन में पहनो, मतलब ये एक बैलेंस है, जैसे सीट्रस फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो कैसे आपको पूरा एक्टिवेट कर देते हैं, या फिर खस हो गया यू नो चंदन हो गया, ये कैसे थोड़ा आपको आपको सेटल करते हैं, तो इस विल एक्टिवेट एज वेल एज हैव यू सेटल्ड एट द सेम टाइम। एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों देता हूं यार मैं, जो पूछता ही नहीं मेरे से कोई सो एनी वे सो या दिस इज ऑल ईयर राउंड, बोल दिया ना वापस क्यों बोलो, इफ यू वॉन्ट फॉर द स्ट्रांग, इफ यू वॉन्ट फॉर स्ट्रेंथ एंड अच्छे अतर्स का दोस्तों यही होता है, जो आपको पसंद आता है ना फिर उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। एनी वेज सो दोस्तों बाकी सब जनतुल फिरदौस का भी हम रिव्यू करेंगे अलग से, पप्पू पायलट एक बार निकल जाए तो मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं। दोस्तों इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर हाँ 12 बजे के बाद ही वीडियो रिकॉर्ड करना अच्छा है यार।